स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर में पैदल यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर 12 साल पहले बनाए गए स्काईवॉक के रखरखाव के संदर्भ में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए बताया कि उल्हासनगर स्टेशन पर बने स्काईवॉक को वर्ष 2017 में उल्हासनगर महानगर पालिका प्रशासन को सौंप दिया गया है। इसकी देखभाल करना अब उल्हासनगर महानगर पालिका की जवाबदारी है। गौरतलब है कि एक हाथ मदतीचा नामक शहर की एक सामाजिक संस्था की ओर से उल्हासनगर के स्काईवॉक का निरीक्षण किया गया था। उस संस्थान ने वहां का दौरा करने के बाद देखा कि स्काईवॉक पर अनेक जगह शेड टूट चुका है, पर्याप्त बिजली की रोशनी नहीं है, कई जगह टाइल्स उखड़ चुके हैं, रेलिंग भी खराब होने को है। स्काईवॉक पर सुरक्षा रक्षक न होने से अब तक कई बार लड़कियों और महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें हो चुकी है। स्काईवॉक पर नशेड़ियों को भी देखा जा चुका है। इस तरह के गंभीर विषय को संस्थान द्वारा सार्वजनिक करते हुए संगठन के माध्यम से मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को जवाब तलब करते हुए एक पत्र भेजा गया था। पत्र के जवाब में प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता एसु तित्रे ने पत्र भेजकर बताया कि उल्हासनगर पूर्व पश्चिम का स्काईवॉक वर्ष 2017 में ही उल्हासनगर महानगर पालिका को हस्तांतरित कर दिया गया है, इसलिए आगामी सभी उप योजना और उल्हासनगर महानगर पालिका से कराए जाने की उम्मीद है। हाथ मदतीचा के अध्यक्ष विजय कदम ने उक्त मुद्दे पर संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि शहर के लाखों लोगों की सुविधा के लिए 2010 में बने स्काईवॉक की मरम्मत का काम अब होना जरूरी है। MMRDA ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने महानगर पालिका प्रशासन को 5 साल पहले ही उक्त स्काईवॉक हस्तांतरित कर दिया है, इसलिए उल्हासनगर महानगर पालिका प्रशासन को चाहिए कि शहर के नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए स्काईवॉक की मरम्मत का काम शुरू करवाएं।